हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 15 फरवरी 2020। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक जो रहेंगे पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा, वन लाइनर न्यूजेज रहेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूजेज होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी। स्पेशल नॉलेज में हम नाशा ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। स्टेट में आज यूपी को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके में एपी नेशनल पार्क मतलब कि आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क्स हम जो है डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, तो आपको वीडियो पूरा वॉच करना है एंड तक। ओके, मोटिवेशन कोट देख लेते हैं क्या है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कभी कभी क्या होता है कि हम मेहनत तो कम करते हैं पर शोर बहुत मचाते हैं कि हम इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इतनी खामोशी से मेहनत कीजिए, किसी से कुछ कहना नहीं है, बस अपनी तैयारी करते जाइए, पढ़ते जाइए ईमानदारी के साथ। सफलता आपकी खुद शोर मचा देगी जब आप ईमानदारी से और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ है, देख लेते हैं क्या है। विज्ञान में लड़कियां और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या रहा है। तो विज्ञान में लड़कियां और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो हमने कल आपको बताया ही था कब मनाया गया है, तो उसका विषय क्या रहा है। तो विषय रहा है इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। तो इसकी थीम आपको याद रखनी है। 12 फरवरी को मनाया गया था लड़कियों और महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020, और इसकी थीम रही थी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है। तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। अब एक क्वेश्चन और है, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। क्वेश्चन में ऐसे ही आ जा सकता है कि उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है, तो 12 फरवरी से 18 फरवरी 2020 तक ये मनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो रहेगी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ रहेगी, द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 बिम्स्टेक फरवरी को किन किन शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा भुवनेश्वर और पुरी में। ये दोनों कहाँ के शहर हैं, ओडिशा के। ठीक है, भुवनेश्वर जो है कैपिटल है, जगन्नाथपुरी आप सभी ने सुना होगा, वो कृष्ण भगवान का एक तीर्थ स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी को नशीली पदार्थों के तस्करी से लड़ाई, ये थीम रही है। इस विषय पर आयोजित बिम्स्टेक की परिषद का स्थल क्या रहा है। ठीक है, तो वो रहा है नई दिल्ली, भारत। ठीक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ओके, नए कोरोना विषाणु को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया गया आधिकारिक नाम क्या है। जो अभी कोरोना वायरस था उसको नाम WHO के द्वारा दिया गया है, तो उसका नाम है COVID-19। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोरोना वायरस अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो उसको बारे में क्वेश्चन तो बनेगा ही। तो कोरोना विषाणु को WHO के द्वारा जो आधिकारिक नेम दिया गया, ऑफिशियल नेम दिया गया, उसका नाम है COVID-19। ओके, WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, और 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो आप स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में बताएंगे। ओके, जेनेवा में है और स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ओके, वॉइस ऑफ वियतनाम माध्यम समूह ने किस शहर में अपने पहले भारतीय केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये किया है दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा राष्ट्रीय न्यूज़ रहेगी, आयुष्मान भारत के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर पहल शुरू करने वाले कितने ज़िले हैं, तो वो है 200 ज़िले। ठीक है, कितने ज़िले हैं, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितने देशों को भारतीय सैन्य उपकरण निर्यात करने के लिए कंपनियों को अधिकृत किया है। तो जो 42 देश हैं उन्होंने भारतीय सैन्य उपकरण निर्यात करने के लिए कंपनियों को अधिकृत कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन स्थल क्या रहा है, तो वो रहा है बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले नानापारा और मेलानी के बीच का रेल मार्ग 1892 में निर्मित हुआ था, जिसे बंद किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय दुधवा, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लखीमपुर खीरी में है, उसे बंद किया जा रहा है। ठीक है, व्यक्ति विशेष से बात कर लेते हैं। अ केमिस्ट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पुस्तक का नाम याद रखना है, अ केमिस्ट कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर के खंडेलवाल जो है वो अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक हैं। राज्य विशेष से न्यूज़ देख लेते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 11 फरवरी को भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? तो वो दी है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के बारे में जितनी भी न्यूज़ बनेंगी स्टैटिक पोर्शन की, वो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आपको मिल जाएगी। आज स्टेट हमने उत्तर प्रदेश ही रखा हुआ है। तो अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई उससे संबंधित सामान्य ज्ञान को भी देख लेते हैं। नशीली पदार्थ नियंत्रण विभाग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1986 में हुई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। बिम्स्टेक के सदस्य देश कितने हैं? तो वो हैं बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश की कैपिटल आप सभी को पता है ढाका होती है, भारत की कैपिटल आप सभी को पता है न्यू दिल्ली है, म्यांमार नेपितो और श्रीलंका है जयवर्धनेपुरे कोट्टे, थाईलैंड बैंकॉक, नेपाल की काठमांडू, भूटान की जो कैपिटल होती है थिम्फू होती है, और नगुलत्रम यहाँ की जो होती है वो होती है करंसी, और थाईलैंड की करंसी को कहते हैं भाट। ठीक है, और श्रीलंका में रुपया चलता है, म्यांमार में कियात चलती है, बांग्लादेश में टका चलता है। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक, इसको कहेंगे बहुक्षेत्रीय तकनीकी ऑफ आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी, मतलब ये हिंदी में है तो अभी हमने बताया ही था, हिंदी में इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक कहाँ है, हाँ आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट आपका जो हाँ स्थापना इसकी हुई थी, स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में, और मुख्यालय आपको ढाका के अंदर ही मिल जाएगा। ओके, तो राष्ट्र अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये तो आप सभी को पता ही है कहाँ पर है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना कब हुई? 2006 में। मूल संगठन अगर पूछा जाएगा मतलब ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत करता है। गृह मंत्रालय की बात आई है तो गृह मंत्री जो है वो है अमित शाह जी, और उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है गांधीनगर गुजरात। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डिटेल करंट न्यूज़ को देखेंगे क्या क्या रहेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आप टिकटॉक और हेलो ऐप अगर यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आप हमारा अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, अगर आप डेली मोशन और शेयर चैट ट्विटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हर जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी विग्नर्स की के नाम से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप वीडियो ना देख के ऑडियो क्लिप सुनना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो खबरी ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए, वहाँ फॉलो कीजिए, वहाँ ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं, वहाँ पर भी हमारा अकाउंट आपको तैयारी बिगनर्स की के नाम से मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से उसे ज्वाइन कीजिए, जिससे क्या होगा आपको जो भी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप नोट्स अच्छे से बना सकेंगे, आप ही के बेनिफिट की बात है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो अब देखते हैं न्यूज़ क्या क्या रही है। कीटनाशक प्रबंधन बिल 2020, 12 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जो कि सरकार का दावा है कि कीटनाशकों के व्यापार को विनियमित करने और क्रमित नकली कृषि रसायनों के उपयोग से नुकसान के मामले में किसानों को मुआवजा दिया जाए। यह कदम तब आया जब कीटनाशक का कारोबार 1968 नियमों द्वारा नियंत्रित किया गया है जो सदियों पुराने हो गए हैं और तत्काल पुनर्लेखन की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कीटनाशक प्रबंधन बिल पारित कर दिया गया है, क्यों किया गया है कि जो भी कृषि मतलब जो भी केमिकल्स के द्वारा
खेती वगैरह में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाए किसान वर्ग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस का नामकरण कर दिया गया है COVID-19। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को आधिकारिक तौर पर COVID-19 के रूप में बदल दिया गया है। नामकरण के पीछे का कारण भी आपको जानना होना चाहिए। कारण यह था कि CO कोरोना वायरस के लिए खड़ा है और V1 वायरस के लिए खड़ा है, तो डी बीमारी के लिए खड़ा है, तो और संख्यात्मक 19 उस वर्ष दिसंबर 2019 के लिए है जिसका पता चला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही रहेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO ने कोरोना वायरस का क्या नाम, कोरोना वायरस को नाम क्या दिया है, तो आपको पता होना चाहिए COVID-19। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, उत्तराखंड डीम्ड फॉरेस्ट मानदंडों को कड़ा करता है। 13 फरवरी 2020 को उत्तराखंड सरकार ने डीम्ड फॉरेस्ट के रूप में भूमि को वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों को कड़ा कर दिया है। ठीक है, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार भूमि का एक टुकड़ा वन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि यह न्यूनतम 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है तो इसकी न्यूनतम चंदवा घनत्व 40% है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मधु वाटिका को रवाना किया गया है। ओके, तो अब मधुमक्खी पालन की बात आई है, तो हमने अभी एक 4 मिनट का वीडियो दिया था, उसमें हमने बताया था कि जो मधुमक्खी पालन होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। जैसे विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, क्या सेरीकल्चर कहते हैं, क्या एपिकल्चर कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ओके, केंद्रीय सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो नागपुर है, ने दिल्ली में, और ये वाहन मंत्री भी हैं, जो सड़क एवं वाहन परिवहन मंत्री भी नितिन गडकरी जी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली में चलती फिरती मधुवाटिका को रवाना किया, यह एक अद्वितीय अवधारणा है जिसे खादी और ग्रामोद्योग द्वारा मधुमक्खियों की जीवित कॉलोनियों के आसान रखरखाव और प्रवास के लिए बनाया गया है। चलती फिरती मधुवाटिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिना किसी समस्या के 20 मधुमक्खी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा कदम इसलिए उठाया कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुबली इन्वेस्टमेंट कर्नाटक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। हुबली को देश भर के निवेशकों को निवेश कर्नाटक हुबली सम्मेलन के माध्यम से आमंत्रित करने के लिए तैयार है, जो शुक्रवार को होने वाली है। तो मतलब कि ये कल ऑर्गेनाइज हो गई है। ओके, आज तो शनिवार है, तो कल इसे ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। ठीक है, आपके लिए यही याद रखना है कि जो हुबली कॉन्क्लेव होगी इन्वेस्टमेंट, तो वो कहाँ पर होगी, तो वो कर्नाटक के अंदर होगी। कर्नाटक की कैपिटल आप सभी पता है बेंगलुरु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LNG वियतनाम को पहली गश्ती नौका देगा। वियतनाम के लिए, वियतनाम की अगर कैपिटल पूछी जाएगी तो आप बताएंगे हनोई, और अगर करेंसी पूछ ली जाएगी तो आप बताएंगे डोंग। वियतनाम, हनोई, डोंग, इस तरह आप याद रख सकते हैं। वियतनाम के लिए $100 मिलियन की ऋण व्यवस्था के तहत उच्च गति वाली गश्ती नौका का निर्माण सितंबर में किया जाएगा। हनोई सितंबर 2014 में विस्तारित लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत अपनी सीमा सुरक्षा रक्षक बल के लिए 12 नौकाओं को खरीद रहा है। ओके, LNT जो एक कंपनी है वो वियतनाम को अपनी पहली गश्ती नौका देगा, और ये 100 मिलियन ऋण व्यवस्था के साथ इसकी पहली उच्च गति वाली नौका होगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो ये तो थी डिटेल करंट न्यूजेस। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, तो अब हम आज बात करेंगे नासा ऑर्गेनाइजेशन की। तो नासा की स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना हुई। अगर अधिकार क्षेत्र की बात करेंगे, नासा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अधिकार में आता है, तो अमेरिकी सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्यालय है Washington DC में। अगर इसका सिद्धांत पूछा जाएगा तो आप बताएंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, मतलब कि सबकी भलाई के लिए। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हिंदी में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। ओके, और संक्षेप में इसको कहते हैं नासा।
ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की एक शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स एरोस्पेस संशोधन के लिए ये जिम्मेदार होती है। ओके, फरवरी 2006 में नासा का लक्ष्य वाक्य हो गया था भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना है। तो नासा के अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे तो वो बनेंगे नासा की फुल फॉर्म, वो आपको पता होनी चाहिए, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट को हम डिस्कस करेंगे, स्टेट में आज हम उत्तर प्रदेश को डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को, राजधानी और सबसे बड़ा शहर लखनऊ है। लखनऊ से क्वेश्चन और बन जाता है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश में जिले पूछे जाएंगे तो 75 हैं। राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री आप सभी को पता है भाजपा पार्टी के योगी आदित्यनाथ हैं। उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। और मुख्य सचिव अगर उत्तर प्रदेश के पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे राजेंद्र कुमार तिवारी। ओके, पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह है या ओम प्रकाश सिंह है, ठीक, और इन्हें इनको रिप्लेसमेंट भी कर दिया गया है, तो अभी उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है, ये सभी को पता है। लगभग 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है और दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला ये देश का उपखंड है। ओके, अधिक जनसंख्या वाला ये उपखंड है, ऐसा मानते अगर इसे अलग कर दिया जाएगा तो एक देश बन जाएगा ये। यह 1 अप्रैल 1937 ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा या अवध के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था, तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पूर्व में उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था, तो आप बताएंगे यूनाइटेड प्रोविंस, या ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश को किस नाम से संबोधित करते थे, तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। 1950 में नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और सामान्य बोलचाल में यूपी कहे जाने लगा, तो ये तो सभी बात बताते ही हैं, ठीक है। अब बात हो रही है राज्य की प्रशासनिक और विधायक राजधानी जो है वो लखनऊ है, तो ये तो सभी को पता है, और न्यायिक राजधानी जो है वो प्रयागराज है। प्रशासनिक कारणों से इसे 18 मंडलों 75 जिलों में विभाजित किया गया। एक क्वेश्चन और बन जाए यहीं से बन गया, जो हेड हाई कोर्ट है हमारा वो इलाहाबाद में, इसकी ब्रांच जो है वो लखनऊ में है। और अगर हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश के, तो आप तुरंत बताएंगे गोविंद माथुर। ओके, 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया, मतलब उत्तर प्रदेश का ही एक खंड था जो हिमालयी क्षेत्र था, उसे 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया, उसे उत्तराखंड के रूप में बना दिया गया। राज्य की दो प्रमुख नदियां हैं गंगा यमुना और प्रयागराज में मिलती हैं, फिर आगे गंगा के रूप में बहती हैं। हिंदी राज्य में सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा है, राज्य की आधिकारिक भाषा भी हिंदी है। 14 सितंबर को हिंदी मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, तो ये सभी को पता होना चाहिए। और 11 जनवरी को राष्ट्रीय इंटरनेशनल हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, और उर्दू भी आधिकारिक भाषा है, 1989 में उर्दू को भी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में बनाया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर। उत्तर राज्य के उत्तर में क्या है, उत्तराखंड है। अगर सीमा की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से टच होती है, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर में तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से, पश्चिम में अगर पूछेंगे तो हरियाणा और तथा दिल्ली राजस्थान, और दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है, पूर्व में बिहार झारखंड राज्य हैं। कुल मिलाकर 9 राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा टच होती है। अगर देश की बात करेंगे तो नेपाल से हमारे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो टच हो जाती है। ओके, उत्तर प्रदेश से और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आप ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। द्विसदनात्मक का मतलब ये होता है कि विधान परिषद और विधानमंडल दोनों चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो विधानसभा की सीटें हैं 403 और एक एंग्लो इंडियन, तो 404 सीटें आती हैं, और ये भारत में सबसे अधिक हैं। ओके, विधान परिषद की अगर बात करेंगे तो 99 सीट प्लस 1, तो 100 सीट जो हैं विधान परिषद की, जो भी भारत में सबसे अधिक है। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो 80 सीटें, ये भी भारत में सबसे ज़्यादा हैं, और 31 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो ये भी भारत में सबसे ज़्यादा हैं। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बारहसिंगा।
और राज्य की पक्षी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सारस अथवा इसे क्रौंच भी कहते हैं। राज्य की पुष्प अगर पूछा जाएगा तो ब्रह्म कलश या पलाश जो होता है वो राज्य के पुष्प है। अगर राज्य के चिन्ह पूछा जाएगा तो मछली और तीर कमान। इस तरह से अगर आपने कभी सरकारी कोई भी आपको बैग वगैरह मिला होगा तो उसमें इस तरह से मछली बनी होती है और इस तरह से तीर बने होते हैं, तो वो हमारा राजकीय चिन्ह है। राज्य का स्थापना दिवस हम मनाते हैं 1 नवंबर को, और ये स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन। अगर एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि राज्य किसी भी राज्य की प्रथम महिला उपराज्यपाल कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू जी, ठीक है। और 13 जनवरी को सरोजिनी नायडू जी की जन्मतिथि मतलब जो जयंती होती है वो भी मनाई गई थी। ओके, प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूछे जाएंगे तो गोविंद बल्लभ पंत, और गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर भी बनाया गया इनके नाम से। अगर एटॉमिक पावर स्टेशन पूछा जाएगा तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में स्थित है, ठीक है। और सुपर ताप विद्युत परियोजना अगर पूछी जाएगी तो सिंगरौली में आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश से बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो कौन सा है, तो वो है इलाहाबाद। लगभग 50 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं, और महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी हमने बताया था इलाहाबाद में मुख्य न्यायालय है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और लिंगानुपात अगर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का तो 912 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की 20.2% है 2011 सेंसस के अनुसार, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जनसंख्या घनत्व अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा तो 829 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से हमने बहुत ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट बता दी, अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका स्किप नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट आपका जो है स्टैटिक जीके में बात करेंगे आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क्स की, तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर, श्री शैलम नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर भी है ये, और पुलिकट झील सेंचुरी जो है वो भी आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिल जाएगी, ओके। और नागार्जुन बांध अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कृष्णा नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन आंसर्स रहेंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 300 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत देने वाले आर डी बर्मन का जन्म कब हुआ था, तो 27 जून 1939 में आर डी बर्मन का जन्म हुआ था, ओके। किस बीजेपी सांसद ने अपना पहला उपन्यास द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी लिखा है, तो मीनाक्षी लेखी ने द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी लिखा है। ये पुस्तक किसी न किसी एग्जाम में 110% आएगी, तो आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है, तो वो विक्रम है, जो कि क्रैश हो गया, मिला नहीं खो गया, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड को पहला स्थान मिला, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो पीस इंडेक्स में 141वें स्थान पर हमारा भारत है। एक वनडे मैच में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम पर है, तो योन मॉर्गन के नाम पर है, जिन्होंने 17 छक्के लगाए हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से कब हटाया गया, तो 44वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत दिया। मुगल काल में 4 लेखकों को क्या कहा जाता था, बकिया समाचार लेखक जो होते थे उन्हें बकिया नवीस कहा जाता था। सबसे पहले हिंदू कुश पर्वत के नाम के कारण ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा था, तो हिंदू कुश पर्वत को किसने पार किया था, तो यूनानियों ने सबसे पहले हमारे हिंदू कुश पर्वत को पार कर लिया था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके जीएस एंड स्पेशल नॉलेज के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो।
अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ट्विटर, शेयर चैट, हेलो और टिकटॉक ऐप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डेली मोशन वेबसाइट यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ऑडियो को सुनने के लिए खबरी ऐप पर आप हमारी जो भी न्यूज़ की रिविज़न होती है वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा, आप ईयरफोन लगाइए, कहीं भी जाते आते या काम करते करते सुन सकते हैं आराम से। तो आप सुन सकते हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि जो भी न्यूज़ेस आपने वीडियो में देखी उसका ऑडियो क्लिप आपको मिल जाएगा। हर जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी बिगनर्स की के नाम से प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहाँ पर सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आप जो भी क्लासेस हैं उनकी PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, अपने सपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और तैयारी निरंतर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मन में एक जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।